Welcome to my channel. So how's your studies going on? I think अभी जो सा यू नो करंट सिचुएशन है, डिले इन काउंसलिंग एंड कोर्ट केस एंड स्ट्राइक एंड एवरी थिंग एंड द डिलेमा ऑफ मे बी एग्ज़ाम इज़ नॉट इन मार्च बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक मैनी ऑफ दैम वी आर यू नो वी आर नॉट कंसंट्रेट वी आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट प्रॉपरली बिकॉज अब वही फिर बात हो गई ना कि मार्च में नहीं होगा, मे बी इन मई जून में होगा. बट आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग, दिस इज़ अ ह्यूमन नेचर, बिकॉज लाइक मेरे साथ भी हुआ है, बट दिस इज़ अ ह्यूमन नेचर. बट लेकिन हमें जो आई थिंक लास्ट टाइम सब बहुत से लोगों ने गलतियाँ की थी वो नहीं करनी चाहिए. लेकिन लास्ट टाइम भी यही हुआ था, लेकिन जिन लोगों ने इस चीज़ का यूटिलाइजेशन किया हो था आई थिंक उनको मार्क्स ज़्यादा अच्छे आए हैं. इसलिए इसलिए मार्क्स भी इतने अच्छे आए, जैसे कि कई लोगों ने लास्ट टाइम जैन एक अपनी डेट लेके रखी थी, मे बी सबको पता था कि जैन में नहीं होने वाला. देन आल्सो आई थिंक उन्होंने अपनी डेडलाइन जैन रखी थी. उसके बाद जब अप्रैल आया तो दे गॉट यू नो एक्स्ट्रा टाइम फॉर रिविजन. देन इन सेप्टेम्बर दे गॉट एक्स्ट्रा टाइम फॉर रिविजन. सो बिकॉज ऑफ दैट दे इम्प्रूव देयर रैंक और मे बी दे विल गेट देयर ड्रीम ब्रांच. सेम विथ अस, वी हैव टू बी लाइक अज्यूम दैट वी हैव इन मार्च, हमें मार्च में करना है. देन अगर अप्रैल में होता है मई जून में तो दैट विल बी यूज़ फॉर यू नो दैट विल यूज़ फॉर एक्स्ट्रा टाइम. इफ़ यू विल से अगर आपको जॉब ज्वाइन करनी है किसी को, तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम दे कैन ज्वाइन. ज़्यादा टेंशन नहीं लेना. इफ़ यू वॉन्ट टू सिट एट होम आप ले सकते हो, बट यू नो बहुत टेंशन में लेके नहीं करना है, क्योंकि टेंशन में क्या होगा ना कि हम मे बी बिकॉज ऑफ यू नो एवरी थिंग इज़ गोइंग ऑन, मे बी हम एटलीस्ट 60% तो पढ़ेंगे, 50% तो पढ़ेंगे. लेकिन अगर हमने ये सोच लिया ना कि मार्च में नहीं है तो हम 0% ही पढ़ेंगे, तो एटलीस्ट जितना भी हो रहा है उतना पढ़ते जाइए. लेकिन यू नो मार्च अपनी डेडलाइन रखना है कि मार्च में आपको एक बार अपना कोर्स पूरा कंप्लीट करना ही है. तो मैंने आपको बोला भी था कि मैंने एक सीरीज चालू की है, तो अगर आप यू नो इंटरेस्टेड हैं इन दैट तो प्लीज़ अपडेट. कि जैसे कि अब एनेस्थेशिया था कि कितने लोगों का एनेस्थेशिया कंप्लीट हुआ है, कितने लोग एनेस्थेशिया कंप्लीट कर पाए. इट्स नॉट लाइक दैट, मे बी आप उस टाइम पे जब मैंने एनेस्थेशिया बोला आप यू आर यू नो कंप्लीटिंग अनदर सब्जेक्ट. लेकिन देन आल्सो आप एनेस्थेशिया को 1 आवर 30 मिनट्स कुछ भी लेके कर सकते हो, तो एक साथ में यू नो हम सब साथ लेके चलेंगे. तो मैं आपको अभी भी यही कहूँगी कि स्टडीज़ करते जाइए. यू नो अगर आप लोग स्टिल यू आर इंटरेस्टेड इन सीरीज़ कि हम यू नो चैलेंजेस करें, तो हम वो चैलेंज करेंगे. देन वी विल आई विल ट्राई टू कम लाइव आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी सब्जेक्ट, तो हम वहाँ पर आके डिस्कशन कर सकते हैं वॉट एवर यू लाइक. बट सजेस्ट मी यू नो हाउ यू वॉन्ट टू स्टडी, हाउ वी कैन कीप स्टडिंग, दैट इज़ मेन मोटो. कीप स्टडिंग, कंसिस्टेंसी जो बोलते हैं ना अब, वो बहुत ज़रूरी है कि आपको पढ़ते ही जाना है, पढ़ते ही जाना है. आप कैसे भी पढ़ रहे हो और यू नो अगर आप मुझसे बात करें ना कि अभी कीप स्टडिंग या कंसंट्रेशन करने की क्या बात है, तो अभी आपका जो भी टाइम टेबल है, इफ़ यू आर इन स्टिक विथ योर टाइम टेबल इज़ वेरी गुड. मतलब लाइक आप यू आर गोइंग अकॉर्डिंगली योर टाइम टेबल इज़ वेरी वेरी गुड. बट अगर आप में से बहुत से लोग हैं, सम ऑफ देम विच आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट, तो आई थिंक आई फील दैट इट इज़ अ ट्रिक. बिकॉज ये कई बार मैं करती हूँ, जब बिल्कुल ही मन ना कर रहा हूँ ना, तो वॉट एवर योर टाइम टेबल, आप 19 सब्जेक्ट्स में से आप वो सब्जेक्ट उठाइए. रैंडमली मैं बोल रही हूँ, आपको बिल्कुल ही नहीं कर रहा है मन, आप मतलब स्टक हो गए कि अब क्या करें, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वॉट यू विल डू कि आप एक रैंडमली एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, वॉट एवर यू लाइक. चाहे वो इम्पोर्ट, ये मत सोचना कि यू नो दो क्वेश्चन आते हैं, 5, 6 क्वेश्चन, कुछ भी आप जस्ट उठाइए और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. मान लीजिए कि आपको गायनी पसंद है,
बस उठा लीजिए गायनी, चाहे आपको आपने उसको दिसंबर में करने का सोचा था या अभी टाइम नहीं आया उसका, लेकिन अगर आपको गायनी करना है तो उठा लीजिए, एनेस्थीसिया करना है तो उठा लीजिए, कुछ भी जो भी आपको पसंद है रैंडमली उठा लीजिए, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता उसको पढ़ते ही जाइए। आई थिंक ये ट्रिक मुझे बहुत सही लगती है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना, अपने आप एक लाइन में आ जाते हो, फिर आप वॉट एवर योर टाइम टेबल यू कैन फॉलो दैट। लेकिन जब आप स्टक हो जाओ ना, तो आप फिर वो पढ़ो जो आपको अच्छा लगता है, या फिर आप यू नो यू लाइक दैट सब्जेक्ट, आपको इंटरेस्ट है, आप कभी भी पढ़ सकते हो, तो आप वो स्टार्ट करो। तो आई थिंक अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कंप्लीट करना है अपना सब्जेक्ट, तो यू नो कीप स्टडिंग, कीप कंसंट्रेटेड, कीप मोटिवेटेड, जो भी आसपास कह चल रहा ना उसे चलने दीजिए, बिकॉज मुझे लगता है कि लास्ट टाइम भी यही हुआ था, तो हम लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट हुए थे, बट हम फिर से वही गलती नहीं दोहरा सकते, यू नो वी कांट रिपीट सेम थिंग, सो वी डोंट वांट टू यू नो डोंट रिपीट सेम मिस्टेक्स। तो आप पढ़ते जाइए, नेक्स्ट आई विल टेल यू विच यू नो सब्जेक्ट वी विल स्टडी, सो कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटेड, एंड सजेस्ट मी विच काइंड ऑफ वीडियो यू यू विल लाइक, सो आई विल मेक ऑन दैट। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटेड, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल की, एंड शेयर यू नो कमेंट लाइक, बिकॉज बिकॉज ऑफ योर सब्सक्रिप्शन, योर लाइक, योर कमेंट्स, आई फील कि ओके यू गाइज आर लाइकिंग माई वॉट एवर आई एम सेइंग, सो यू नो वॉट आई एम मेकिंग वीडियोज़, सो कीप स्टडिंग।